रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि गेहूं से है। बता दें केंद्र सरकार द्वारा 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, दक्षिण कोरिया, ओमान और यमन से गेहूं के संबंध में विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वही पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि यूएई ने हमारे राजदूत के जरिए गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के संबंध में चिंता जताई है। वहीं दक्षिण कोरिया, ओमान और यमन की सरकारों की तरफ से भी गेहूं के लिए अनुरोध आए हैं। हालांकि हम फिर से पता कर रहे हैं कि यमन की तरफ से किया गया अनुरोध आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सरकार की ओर से है या संशोधित सरकार की ओर से ये सामने आया है। वहीं इन देशों को गेहूं निर्यात की मात्रा क्या होगी, इस पर हमें अभी फैसला आगे करना होगा। वहीं अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश या नेपाल से गेहूं के लिए कोई अनुरोध नहीं आया है। बांग्लादेश भारत के कुल गेहूं निर्यात का आधा हिस्सा लेता है। वहीं निर्यात प्रतिबंध लगाते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर प्रदान की गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति आगे दी जाएगी। वहीं सरकार ने निर्यात प्रतिबंध के बाद मिश्र के लिए 61,500 टन गेहूं की खेप भी अनुमति इसकी जो थी भेजने को दी थी। इसके पहले ही कांडला बंदरगाह पर इसकी लदाई भी हो रही थी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना से समय वहां 5 जहाज पर 3,00,000 टन गेहूं की लदाई की जा रही थी, इसलिए हमने वह स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व बाजार में गेहूं की कमी की वजह से इस साल भारत से होने वाले निर्यात की मांग में इजाफा देखा गया है। निर्यात के लिए गेहूं का प्रवाह रोकने का ये फैसला वर्ष 2023 सीजन के 1.95 करोड़ टन के संशोधित लक्ष्य तक पहुंचने के वास्ते खरीद के संघर्ष के बाद ये सामने आया था। ये लक्ष्य 4.44 करोड़ टन के मूल्य खरीद अनुमान से लगभग 56% कम था। वहीं खरीद में इसलिए गिरावट आई क्योंकि किसानों ने अच्छे दामों की चाह में अपना गेहूं निजी व्यापारियों को बेच दिया, जो राज्य द्वारा निर्धारित 2,015 रुपये प्रति क्विंटल के MSP से अधिक था। तो ये थी बड़ी खबरें, और आज और बड़ी खबरों के लिए अभी आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।